हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एससी पीयूटी का रिजल्ट आ गया है, तो उसके कटअप का एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही साथ अभी कौन कौन सी वैकेंसी आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो एग्रीकल्चर AGTA का जो वैकेंसी आने वाली थी, तो वो कब तक वैकेंसी आ रही है, रोस्टर कब तक जारी होने वाली है, इस पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी के तहत भर्ती आने वाली है, और इस बार जो पीटी का जो कटअप है ना, इस बार बहुत ही हाई गया है। अगले बार की अपेक्षा जो 2022 के कटअप गया था, उसके अपेक्षा इस बार जो है पीटी के कटअप बहुत ही हाई गई है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कितने वाले लोग AGTA के लिए एलिजिबल है, ठीक है, मेन्स के लिए। और देखिए, ये आगामी नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले जो भर्ती आ रही है अभी आपको, ये आपको देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी JEE की आने वाली है। ये जो है आपको इस वीक में भी आ जाए या नेक्स्ट वीक में, मतलब 5 से 6 दिनों के अंदर आ जाए, क्योंकि इसकी सारी प्रोसेस जो है यूपी ट्रिपल एससी जो बोर्ड है उसके तहत ये पूरी तरह से इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली है, ठीक है। और ये बहुत ही जल्द आपको 2 से 4 दिनों के अंदर आपको ये भर्ती देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग JEE की तैयारी कर रहे थे वो लोग करते रहे, पीटी के स्कोर भी उन लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखिए, जो मुख्य चीज अपने बात करने वाले AGTA के एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के वैकेंसी के बारे में, तो उसके लिए दोस्तों ये कब तक नोटिफिकेशन आ रही है, और 2022 और 23 के जो पीटी कटअप है उस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से लोग इसको भरेंगे, ठीक है। तो ये जो है यूपी ट्रिपल एससी AGTA के जो नोटिफिकेशन है, ये जस्ट अभी फर्स्ट में ये भर्ती आ रही है, सेकेंड नंबर पर आपको देखने की भर्ती ये मिलेगी, यानी कि ये 10 दिनों के अंदर में आपको ये भर्ती 10 दिनों के अंदर ही आ जाएगी, क्योंकि इसकी प्रोसेस पूरी तरह से पूरी हो चुकी है बोर्ड के तहत। इसके साथ ही साथ इसकी भी पूरी तरह से प्रोसेस हो गई, पर इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं मिल पा रही, इसी की वजह से इसको अपडेट नहीं निकल रही है वहां से, बोर्ड से, ठीक है दोस्तों। अब जो तीसरी वैकेंसी ये है यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल के तहत आने वाली, पर ये जो भर्ती है मार्च के आसपास में भर्ती आएगी, अभी आपको भर्ती नहीं आएगी, ये मार्च के आसपास में आपको लेखपाल को देखने को मिलेगा, राजस्व लेखपाल को, ठीक है। और इसी के बाद आपको ये मार्च लास्ट या अप्रैल तक हो सकता है, या दोनों को एक में करके वैकेंसी निकाले, चकबंदी लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली थी यूपी ट्रिपल एससी के था, ये दोनों भर्ती आपको मार्च और अप्रैल के बीच में, अप्रैल के फर्स्ट वीक के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और जो पीटीए कटअप है, मैं बता दूं कि AGTA के लिए आप लोगों के पास जो मिनिमम 30% अगर मार्क्स हैं, आप लोगों के पास क्वालिफाई है 30% मार्क्स हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके साथ ही साथ उसके अभी रोस्टर जैसे जारी करेगी, तो उसमें अभी मेंशन करने वाला है कि 2022 का लोग देंगे कि नहीं देंगे, या 23 वाला ही देंगे, या दोनों को देंगे, तो कैसे उसकी एक क्राइटेरिया निकालेंगे, बीच की कोई ना कोई माध्यम निकलेगी। तो जब तक रोस्टर नहीं आती तब तक कोई अपडेट नहीं है इसका, और आप लोग फर्जी के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि इसी तरह कोई बोल रहा है कि नई नंबर है तभी उसमें बैठ सकते हैं, या आप खाली फॉर्म भर दिया तभी बैठ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जब तक यूपी ट्रिपल एस AGTA की जब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आती है, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, और जिनका नंबर है वो लोग भी अपना तैयारी करते रहे, और जिनका नहीं है अपना नेक्स्ट PTE का तैयारी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।